राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण का आंदोलन, जिसकी अध्यक्षता माननीय रामसुधीत यादव एवं जिला प्रभारी विजय कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इंजीनियर रजित साफी ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मूल निवासी बहुजन समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं एवं हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, देश के 31 राज्यों 550 जिलों 5000 तहसीलों में एक साथ धरना प्रदर्शन, केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित गिनती एवं ओबीसी की गिनती करने से इनकार करने के विरोध में, 3 कृषि काले कानून के विरोध में, ईवीएम के विरोध में, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए। आज समारोह के सामने राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं मांग पत्र भेज रहा हूँ भारत सरकार को, क्योंकि जातीय जनगणना अविलंब करना शुरू कर दे। जब से भाजपा की सरकार आई है, अति पिछड़ा को तंग तबाह कर दिया हुआ है, लोगों को वोट बैंक लेकर के इसको परेशानी में डक किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब जनगणना शुरू कर दें, या न था हम लोग बाध हो गए सड़क पर उतरने के लिए। इसके सारे जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, और साथ ही ईवीएम अविलंब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम बैलेट पेपर से शुरुआत करें, वो भी भारत सरकार पहले करते थे और करना भी चाहिए। मेरा नाम विजय कुमार ठाकुर, और मैं कहना चाह रहा हूँ भारत सरकार से कि आज हमारे देश में इतनी तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ रही है, हम लोग शिक्षित हो के भी बेरोज़गार हैं, इस पे भारत सरकार कोई रोज़गार के बारे में कभी नहीं सोचा है। इसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि रोज़गार दे नौजवानों को, बेरोजगार विद्यार्थियों को। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को मधुबनी जिला के समरनाले के समक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अध्यक्षता कर रहे माननीय समाजवादी नेता माननीय रामसुधीर यादव जी और मंच जिला प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के माननीय विजय कुमार ठाकुर जी और माय इंजीनियर रंजीत कुमार जिला संयोजक भारत मुक्ति मोर्चा, इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आंदोलन को साथ समर्थन करने के लिए यहाँ हम लोग भी अपने साथ सहयोग देने के लिए